Guys, let's talk about loops today. जावा के अंदर हम लूप्स की बात करते हैं. तो जावा में हमारे पास चार तरह के लूप्स हैं. एक लूप का नाम है फॉर, दूसरे का नाम है वाइल, तीसरे का नाम है डू वाइल और चौथे का नाम है फॉर ईच. ठीक है जी. तो फॉर लूप हमें हेल्प करता है जब हम फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हो या नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें पता होते हैं जब. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ 1 से लेके 10 तक चलाना है तो मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ. फॉर लूप किस तरह यूज़ होगा वो भी करके दिखा देता हूँ. उसके बाद डू वाइल लूप यूज़ करेंगे जब हमारे सॉरी वाइल लूप यूज़ करेंगे जब हमें कंडीशन पता हो कि कंडीशन क्या है, कहाँ तक लूप चलाना है, तो हम वाइल लूप यूज़ कर लेंगे. वाइल लूप आपको पता है कि उसमें सिर्फ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है और वो उस कंडीशन तक चलता रहता है. जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक चलता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो बंद हो जाएगा. ठीक है जी. उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें नंबर ऑफ़ टाइम्स पता हो, लेकिन वो तब तक चलेगा जब तक कंडीशन सही है. डू वाइल जो है ये लूप हमारे पास यूज़ होता है जब हमें कम से कम एक बार लूप चलाना हो, चाहे कंडीशन सही हो या कंडीशन गलत हो. अगर कंडीशन सही है तो लूप चलता रहेगा, जब कंडीशन गलत होगी तो बंद हो जाएगा. अच्छा, अगर स्टार्टिंग में ही कंडीशन गलत है तो भी ये एक बार ज़रूर चलेगा. ठीक है. और ये हमारे पास जो है लूप यूज़ होता है जब हम चाहते हैं कि ये लूप एक बार एटलीस्ट चले, तो हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं. फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे जब हम चाहते हैं कि किसी भी एरे को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेवर्स करना चाहते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स को विजिट करना चाहते हैं, या एलिमेंट्स को अगर आप वन बाय वन प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर ईच लूप आपको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर एक एरे हो 10 साइज़ का, आप चाहते हैं कि वो 10 एलिमेंट प्रिंट हो जाए, तो इट्स वेरी सिंपल, आप फॉर ईच लूप यूज़ कर लें, वो आपको 10 ही एलिमेंट्स ही प्रिंट करके दिखा देगा. तो वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे. तो लेट्स क्रिएट अ सिंपल क्लास. तो लिखेंगे क्लास टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल. तो अब लिखते हैं फॉर ए इक्वल्स टू ज़ीरो, ए इज़ लेस देन फॉर एग्जांपल 10 और ए प्लस प्लस. ठीक है जी. और हमने इसको प्रिंट करवाया फॉर एग्जांपल सिस्टम. प्रिंट एलन और ए को प्रिंट करवाया. ठीक है. उसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल हेलो, और उसके साथ नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये लूप चलता रहेगा. ठीक है जी. ये मैंने प्रिंट करवा दिया है और ये ब्रैकेट ओवर कर दी मेन फंक्शन की, मेन मेथड की, और ये क्लास की ब्रैकेट ओवर कर दी. इसको सेव करते हैं. लेट्स चेंज इट्स नेम टू डेमो लूप्स, लूप डेमो. ठीक है, लूप डेमो के नाम से इसको सेव करेंगे. इसको सेव किया और ये मैंने डी ड्राइव में मेरे पास जावा इंस्टॉल है डी के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास बिन के अंदर मैंने इसको जाके सेव कर दिया. मैंने इसका नाम रखा है लूप डेमो डॉट जावा. ठीक. और अब इसको रन करते हैं. कमांड प्रॉम्प्ट पे गया मैं और ये डी में आ गया, और यहाँ पे है मेरे पास जावा और ये बिन. इसको कंपाइल करते हैं लूप डेमो डॉट जावा. कंपाइल हो जाएगा ये, और उसके बाद लिखेंगे लूप डेमो. इसको रन करते हैं. ये पाथ सेट करनी पड़ती है असल में मेरे लैपटॉप में, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रॉबली. सो यू जस्ट राइट इट विथ जावा लूप डेमो. तो ये देखें 10 बार ये लूप रन हो गया. ठीक है. और आपको सिंपली ये कोड दिखा दूं. मैंने लिखा है फॉर इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और 0 से लेके 9 तक ये लूप चलेगा, क्योंकि मैंने लेस देन 10 लिखा है तो 10 के ऊपर ये फॉल्स हो जाएगा. सो 10 इज़ लेस देन 10 तो ये फॉल्स, तो यहाँ रुक जाएगा.
क्या प्रिंट को करता रहेगा, ये करता रहेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर ये मैसेज प्रिंट होगा हेलो, और उसके साथ ए की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 से लेके 9 तक ये वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। देखिए आउटपुट ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 9 तक प्रिंट हुआ है और 10 बार ये लूप चला है। ठीक है, अगर मुझे इसको 1 से स्टार्ट करूँ और ये चाहता हूँ कि 10 तक चले, तो इसको मैं इक्वल यहाँ लगा दूँ अगर, तो ये 10 तक चलेगा। अब ठीक, अब ये 1 से स्टार्ट हुआ है, ये 1 से लेके 10 तक ये स्टार्ट हुआ, 10 तक ये जाके ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये फॉर लूप है सिंपल। अच्छा, अगर इसमें 2 लाइनें प्रिंट करानी हो, तो अगर ये 2 लाइनें प्रिंट करानी हो तो एक तो ये तरीका है कि आप सिंपली इसमें अगर मैं इसको फॉर लूप के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता तो मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर ये दोनों मैं फॉर लूप के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे ये ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पर क्लोज करनी पड़ेगी। ये स्टार्टिंग ब्रैकेट बताएगी इसको कि ये लूप यहाँ से स्टार्ट हो गया है इधर से, और ये इसकी बॉडी है, यहाँ पे आके इसकी बॉडी एंड होती है। तो ये इन दोनों लाइनों को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, हेलो और उसकी वैल्यू और हेलो टू, ये दोनों रिपीट होते रहेंगे टिल द दिस लूप इज एंड। ठीक है, चलते रहेंगे। इसको सेव करके चला के दिखा देता हूँ। देखें ये हेलो, ये टू, फिर हेलो, फिर टू, ये इस तरह से ये चलता रहेगा। असल में ये टू जो है ये वाला टू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसका मैसेज चेंज करके कर देता हूँ, उसका नाम कर देते हैं फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कर देते हैं। ठीक है जी, वर्ल्ड। ठीक है, अब ये हेलो फिर वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। तो देखें हेलो ये वर्ल्ड, हेलो और ये वर्ल्ड, और ये चलता रहेगा 10 तक, हेलो और ये वर्ल्ड। तो ये क्या हो क्या रहा है कि ये लाइन प्रिंट होता है। ठीक है, उसके बाद दिस लाइन इज प्रिंटेड, अगेन दिस लाइन इज प्रिंटेड, एंड देन सून आफ्टर दिस ये लाइन प्रिंट हो जाता है। तो ये चलता रहेगा 10 10 मरतबा, ये दोनों लाइनें प्रिंट होती रहेंगी क्योंकि ये इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक इसको रिपीट करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही लाइन पर प्रिंट हो तो आप ये वाला एंड एल हटा दें, लाइन ब्रेक हटा दें इधर से। तो अब ये क्या करेगा, ये हेलो प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक नहीं करेगा, उस लाइन के ऊपर ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद लाइन ब्रेक होगी। ठीक है, तो ये देखिए अब ये हो गया हेलो 1, फिर वर्ल्ड आ गया, वर्ल्ड के बाद लाइन ब्रेक हुई है। ठीक है, फिर हेलो, फिर 2, फिर लाइन ब्रेक हुई है वर्ल्ड के बाद। तो ये इधर इस जगह पे आके लाइन ब्रेक करेगा, इधर ये लाइन ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, और अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो स्पेस भी दे दें बेशक। अब देखें हेलो 1 वर्ल्ड, हेलो 2 वर्ल्ड, और ये सिमिलरली। अगर आप चाहते हैं कि ये ए जो है वर्ल्ड के बाद प्रिंट हो तो आप यहाँ लगा दें। ठीक, तो अब ये देखिए अब ये आ गया हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, और ये सिमिलरली आखिर में जाके 10 तक। अच्छा, अगर ये आप ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या होगा, अगर ये हटा देंगे तो ये इस लाइन को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, हेलो को वर्ल्ड आखिर में सिर्फ एक बार प्रिंट होगा क्योंकि ये उसकी बॉडी में अब नहीं है। देखिए ये 10 मरतबा ये हेलो 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 प्रिंट हुआ, आखिर में सिर्फ एक बार वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो इसने तो रिपीट कर दिया इसको 10 टाइम्स, दिस इज प्रिंटेड ओनली 1 टाइम। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट में पोस्ट कीजिए, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको व्हाइल लूप के बारे में बता देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू।